हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी सैली बंसल का एक रिलेटिव, सैली बंसल के घर पे उसके मम्मी पापा, उसके बहन, उसके भाई, उन सब के साथ खड़ा हुआ हूँ और इस फैमिली का दुख दर्द बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि ये फैमिली कितनी परेशान है उस अपनी एक बेटी को खोने के लिए और सरकार पर क्या इसका असर हो रहा है। अगर बात करें तो प्रशासन का या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी बड़े अफसर का ना तो कोई फ़ोन आया है, इवन कोई SHO का फ़ोन नहीं है, किसी ACP, किसी DCP का, किसी ने इनके घर वालों का, ना तो कभी हॉस्पिटल में वो भर्ती थी तब कोई हाल पूछा और ना अभी उसकी डेथ होने के बाद कोई भी यहाँ उसका हालचाल पूछने आया है। और आए हैं तो साथ के उसके कांस्टेबल साथी या कोई हेड कांस्टेबल आ गया, बस इससे ऊपर कोई नहीं गया है। तो मेरे मित्रों, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस फैमिली के दुख दर्द को बांटने के लिए आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा और स्पेशली मेरी उन सभी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए जो IPS तबका है वो अपनी एक अलग धुन में चलता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो ये वीडियो केजरीवाल तक भी जाएगा, ये वीडियो अमित शाह जी तक भी जाएगा और ये वीडियो योगी जी तक भी पहुँचेगा और आप चाहोगे तो ये मोदी जी तक भी जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए, शेयर करिए, क्योंकि एक कोरोना योद्धा इस कोरोना महामारी में मारी गई है और सरकार सिर्फ और सिर्फ उसके आंकड़े छुपा रही है और कुछ नहीं कर रही। इवन इसीलिए कोई पूछने नहीं आया कि वो कोरोना का उसको डिक्लेयर ही नहीं कर रही है सरकार, ठीक है। तो अब क्योंकि 3 तारीख से वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और 24 तारीख की रात को उसने दम तोड़ा है, 25 की सुबह में ही। तो मैं अभी आपको उनके पिताजी के शब्द सुनवाता हूँ कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि एक बहुत गरीब परिवार था, एक दिल्ली पुलिस की वजह से सहारा मिला था इस लड़की की वजह से, और आज भी इनका काम और इनका व्यवसाय आप देख सकते हैं कि क्या था क्या है। तो आप देखिएगा, ये भैंसों से अपना दूध बेचकर पेट पालन करते थे और आज फिर से उसी स्थिति में आ गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बात को जितना आगे तक लेकर के जाएंगे तो इस परिवार की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि वो उन्होंने क्या खोया है। तो आप बताइए अंकल जी कि अब आप क्या करेंगे, कैसे करना है ये सब चीज़ें। करना क्या है भाई साहब, मुझे तो एक सहारा यही मिला था बेटी का, वो भी मेरा ख़त्म हो गया। मैं तो बहुत गर्व के साथ रहता था, कहता था कि बेटी मेरी नौकरी लग गई, अब थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा, लेकिन वो सहारा भी फिर ऊपर वाले ने फिर छीन लिया है। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं तो बहुत कमज़ोर और गरीब आदमी हूँ। इनकी गरीबी का अंदाज़ा इनके घर की स्थिति आप देख करके पता लगा सकते हैं। तो ये उनकी मम्मी हैं जी, बताएं। मैं तो बहुत गरीब स्थिति में ही, मैंने बहुत ही मेहनत से भी अच्छी पढ़ाई अपनी, पढ़ा लिखा के मुश्किल से उस मंजिल पे पहुंची, मेरा सब कुछ खो गया, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं कैसे टाइम पास करूंगी बताओ तुम मुझे। एक बेटी का सहारा पकड़ा, बेबी राम ने छीन लिया, मैं अब क्या करूं बताओ। मेरी बहुत बहुत ही बहुत गरीबी स्थिति है, मेरी कैसे मंजिल पार होगी बताओ तुम। तो देखिए मित्रों, ये सब सैली के मम्मी और पापा के आपने शब्द सुने हैं। सैली बंसल को सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर कर देना और कोई मतलब किसी तरह की कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं मानना, तो आप ये सोचिएगा जो दिल्ली पुलिस वाले लोग हैं, स्पेशली कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, जब वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो ये सोच कर देखें कि अगर आप, भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, तो आपके परिवार को भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा जैसे इस परिवार को सरकार ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है। DCP, ACP, SHO सबको इन्होंने फ़ोन पर सूचना दी, लेकिन सब ACP देखेंगे, DCP 1 ने बोला, DCP 3 देखेंगे, SHO को बोला कि हम कल पहुंच रहे हैं, परसों पहुंच रहे हैं, ऐसे करते करते 10 दिन निकाल दिए, कोई भी हॉस्पिटल में देखने को नहीं आया, ठीक है। तो अब ये बात अगर कहूं कि भाई ये कोरोना योद्धा कैसे थी, तो इसके ही थाने के 3 या 4 लोगों को उसी डेट के आसपास, ये 2 तारीख को हॉस्पिटल में भर्ती हुई है और उसी डेट के आसपास 3 से लेकर 6-7 तारीख तक और 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं उसी थाने के, इसी के साथी। तो वो सब भी मतलब किस तरह से छोड़े जाएंगे सरकार द्वारा, कोई भरोसा नहीं है, आंकड़े छुपा रही है, क्या कर रही है, क्या करना चाहते हैं कुछ नहीं पता है। तो हम अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को भी एक पत्र लिखा जाए इनके परिवार की तरफ से और एक मोदी जी को भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को भी एक पत्र पहुँच जाए
और कोशिश कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तक भी पहुंचे, बात दिल्ली पुलिस के डीसीपी तक भी पहुंचे, ताकि इस परिवार की कोई तो सुने, किसी को तो आत्मग्लानी फील हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ही, देखिए सभी को दिल्ली पुलिस का ही भरोसा है, क्योंकि इनकी इन्होंने अपनी बेटी को दिल्ली पुलिस को सौंपा था, और दिल्ली पुलिस ने आज इनके साथ क्या कर रही है ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है, आप इनके शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं। कोई भी प्रशासन की हेल्प आप तक पहुंची है जी अभी तक, आप अपने शब्दों में बताओ। नहीं, कोई प्रशासन की हेल्प अभी तक नहीं पहुंची है, खाली कॉन्स्टेबल एक दो चार आए हैं और वो अपना यहाँ होके चले गए हैं। हमने जितनी मेहनत करी वो हमको ही पता है। अब वो तो एक यही सहारा मिला था बेटी का, सबको तो सहारा बेटा का मिलता, लेकिन हमको बेटी का सहारा मिला, लेकिन वो सहारा भी हमारा टूट गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस परेशान होकर बैठ ही जाएंगे फिर। हाँ जी, इनके इनका इतना ही बस की है, ये बस ये अपने चार आंसू बहा सकते हैं, और इनकी कोई सुनवाई कहीं पे हो या ना हो, लेकिन आप लोग इनकी सुनवाई आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो को मेरे लिए ना सही, इनके लिए ना सही, अपने अंदर जो भाव आए हो उनके लिए ही शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं, और कोई ना कोई मतलब इनको, हमारा जो उद्देश्य है कि कोरोना योद्धा का इनको बस दर्जा मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए इस परिवार को, सिर्फ चाहिए तो कोरोना योद्धा का दर्जा मिलना। ठीक है, चलिए नमस्कार, आप सभी से फिर से एक बार हाथ जोड़कर कहता हूँ कि इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं आगे।